कैसे आपके ऊपर साइबर सिक्योरिटी का अटैक होता है और आपको पता भी नहीं चलता है, वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो पूरा वीडियो देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल शैलेंद्र श्रीवास्तव। दोस्तों आजकल ना इंडिया पे और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, करीब 5 और कंट्रीज़ हैं जिसपे साइबर सिक्योरिटी के बहुत अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है? तो अभी तक मैं आपको क्लास 10th और साइबर सिक्योरिटी के स्टडी मटेरियल के बारे में बता रहा था, लेकिन अभी मैंने सोचा ठीक है, अभी मैं भी साइबर सिक्योरिटी में हूँ तो आई थॉट कि आपके साथ कुछ साइबर सिक्योरिटी की एडवाइजरीज हैं वो भी शेयर करी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो आम व्यक्ति रहते हैं, इंडिविजुअल्स रहते हैं, उनको तो टारगेट ज़रूर किया जाता है। कंपनीज बिग मीडियम लार्ज उनको तो टारगेट करते ही हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स को भी करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आप भी इम्पैक्ट होते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता कहीं पर। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को कभी ध्यान नहीं देते हैं, मैं उसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो कैसे आपके ऊपर साइबर सिक्योरिटी का अटैक होता है और आपको पता भी नहीं चलता है, वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी की एडवाइजरी आई है जिसमें ऐसा बताया गया है कि COVID-19 रिलेटेड फिशिंग अटैक कैंपेन शुरू किया गया है बाय सम मलेशियस एक्टर्स। मतलब क्या हुआ कि देखिए आजकल ना ये जो COVID-19 या कोरोना का इतना ज़्यादा पैंडेमिक सिचुएशन काइंड ऑफ ए थिंग चल रहा है, लोग ज़्यादा पैनिक भी हो जाते हैं। पैनिक मतलब हमेशा कोरोना के बीमारी होने के खतरे से नहीं होते, लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस में भी पैनिक हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी जाती है। मलेशियस एक्टर मतलब ये जो हैकर्स होते हैं, जो आपको बेवकूफ़ बनाने का कोशिश करते हैं, ये वो लोग होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली देखिए इंसान की करीब 6 वीकनेस होती हैं अगर गीता के उपदेशों में देखा जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार, ठीक है? ये जो 6 वीकनेस होती हैं, ये जो मलेशियस एक्टर्स या जो हैकर्स होते हैं जो साइबर अटैक्स करते हैं, ये इन्हीं में से कोई ना कोई वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं। अब की बार इन्होंने 2 वीकनेस का फ़ायदा उठाया। कौन कौन सी? एक तो इन्होंने भय, ये जो COVID-19 का जो सब लोग को भय है वो, और एक लालच जो ज़्यादातर लोगों में वीकनेस रहती ही है, ठीक है? बहुत आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये लोग बहुत बहुत सिंसियर हैं, ठीक है, शायद लालच ना आता हो, बट मेरे को लगता है लालच भी एक बहुत बड़ी वीकनेस है, ठीक है? तो इन 2 वीकनेस का फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो एक फ़िशिंग कैंपेन करते हैं। फ़िशिंग कैंपेन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप मछली पकड़ने जाते हैं ना, तो मछली पकड़ने वाला क्या करता है, एक कांटा डाल देता है और उसमें कुछ लालच लगा लेता है, कुछ अच्छा सा जो मछली को पसंद होता है वो आगे लगा देता है कांटे में, और मछली आके उसको जैसी खाने का कोशिश करती है वो उसको फंस जाती है। ऐसा ही कुछ वो मेल्स में करते हैं, ठीक है? आपके पास मेल आई होंगी, आपके पास SMS आएंगे और उसमें वो आपको बढ़िया से एक लालच देंगे या आपको भय देंगे, आपको डर देंगे, और उसकी वजह से आप जो भी वो उस मेल में लिखा होगा आप वो करेंगे। एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे और बताता हूँ कि आप सोचेंगे यार मेरा मेल हैकर्स के पास कैसे जा सकता है। बहुत आसान तरीके से जा सकता है, इनफैक्ट गया भी होगा, आपको पता भी ना हो शायद। देखिए क्या होता है ना, आप लोग कुछ एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, कोई गेम हो गया, आप लोग एडवर्टाइजमेंट आते हैं उस पर क्लिक करते हैं, बहुत सारे पॉपअप्स आते रहते हैं, क्लिक करते हैं, आपको पता भी नहीं रहता है कि वो उसका वो किस कंपनी ने बनाया है, वो क्या डेटा ले रहा है, कहाँ पे डेटा लेके जा रहा है, वो सिक्योर है कि नहीं है। और जब आप इंस्टॉल करते हैं तो कुछ क्वेश्चन वो पूछता है, कुछ पॉपअप्स आते हैं, इनफैक्ट आई वुड से एक पॉपअप होता है जिसमें कहता है कि अलाउ योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप अलाउ कर देते हैं। वो कहता है अलाउ योर फोटो एंड गैलरी, वो भी अलाउ कर देते हैं। कई बार तो कैमरा और माइक भी अलाउ करा देते हैं। आप ये सब अलाउ करने के लिए पूछता है पॉपअप और आप अलाउ करते चले जाते हैं। आपने जहाँ ऐसे ही अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपने अलाउ कर दिए। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स मतलब क्या हुआ, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका छोड़िए आपके दोस्तों का, उस मोबाइल में जितना भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो सब गया, ठीक? अब आगे जाके वो डेटा का कैसे, कौन, कहाँ यूज़ कर रहा है, आपके पास कुछ कंट्रोल नहीं है। तो आपके पास मेल आता है, आपके पास SMS आता है कि बस इस लिंक पे क्लिक करो, बस आपको बहुत बढ़िया से लालच या भय दिया जाएगा और आप करते हैं लिंक पे क्लिक। तो इन सब चीज़ों का फायदा उठाते हैं। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द अपना ओरिजिनल टॉपिक। तो बेसिकली करीब 6 कंट्रीज पे साइबर सिक्योरिटी का अटैक हो चुका है। आई एम रिपीटिंग, 20 जून
और 21 जून को करीब 6 कंट्रीज़ पे साइबर सिक्योरिटी का अटैक हो चुका है और उसमें इंडिया भी है। कौन कौन सी कंट्रीज है मैं आपको बताता हूँ। यूएसए, यूके, जापान, सिंगापुर, इंडिया, साउथ कोरिया। इंडिया में 21 जून 2020 को साइबर सिक्योरिटी का अटैक हुआ है और ये अटैक इंडिविजुअल्स पे हुआ है। इस अटैक के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा बताया गया कि कुछ मलिशियस एक्टर्स ने साइबर सिक्योरिटी के जो अटैक किया है, ये ना केवल इंडिविजुअल्स बल्कि बिजनेसेस इंटरप्राइज लेवल पे, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो लार्ज हो, उन पे अटैक किया है। इस अटैक में वो लोग क्या करते हैं, एक मेल भेजते हैं, ठीक है, और उस मेल का मैं आपको सब्जेक्ट लाइन भी बताता हूँ। उस मेल का जो सब्जेक्ट लाइन होता है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लाइन है, ठीक है, कि आपको पढ़ते लगेगा कि यार ये मेल तो ओपन करनी चाहिए या ये एसएमएस तो ओपन करना ही चाहिए। उसके मेल का सब्जेक्ट लाइन रहता है फ्री। देखिए, आ गया लालच, ठीक। फ्री क्या दे रहे हैं? COVID-19 टेस्टिंग फॉर ऑल रेजिडेंट, जितने लोग भी रहते हैं उनको फ्री COVID-19 टेस्टिंग का एक ये ऑफर दिया जा रहा है। कहाँ कहाँ पे? आगे लिखा है रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई एंड अहमदाबाद। तो ये कैंपेन चला है, इसमें इस सब्जेक्ट लाइन पे वो एक फ्री कैंपेन दे रहे हैं और इसमें वो आपको इंसिस्ट करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप अपना कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आप शेयर करिए, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। अब ये मेल आती कहाँ से? पहली चीज़ तो अगर कोई ऐसी ईमेल आएगा जो आपको देखने में फेक लगे तो शायद आप कहेंगे अरे नहीं, ये फालतू बकवास है। नहीं, वो जो ईमेल आईडी भी होती है ना, वो इतनी जेन्युइन लगती है, द वे वो सब्जेक्ट लाइन को बता रहे हैं वैसे ही वो बहुत जेन्युइन ईमेल आईडी होती है। ईमेल आईडी कहाँ से आएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो ईमेल आईडी है NCOV2019@gov.in। अब देखिए, लग नहीं रहा ये किसी गवर्नमेंट वेबसाइट की ईमेल आईडी लग रही है, ठीक है। तो पहला झांसा सब्जेक्ट लाइन, दूसरा उनको जेन्युइन ईमेल आईडी लगनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद वो मेल देखिए, वो मेल में क्या आता है। मेल में आता है, बाय द वे 21 जून को ट्रिगर हो चुकी है मेल, ठीक है। करीब 2 मिलियन लोगों को मेल जा चुकी है। देखिए, कहीं आप तो उसमें से नहीं है। ये सब्जेक्ट लाइन को जरा सर्च करिएगा अपने मेल बॉक्स में, आपको पता चलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ना हो, और अगर हो भी तो प्लीज़ क्लिक मत करिएगा। उसको कहाँ रिपोर्ट करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। इस तरह की कोई भी सस्पिशियस मेल लगती है आप, मैं वो भी बताने वाला हूँ आपको कहाँ पर रिपोर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले मेल बॉडी बताता हूँ। देखिए, मेल बॉडी में क्या लिखा रहता है, डियर सिटीजन, ठीक है। ये मैं एक्चुअल फिशिंग मेल का जो मेल बॉडी वो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस अ मैंडेटरी COVID-19 टेस्टिंग फॉर ऑल रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई एंड अहमदाबाद अबव एज ऑफ 40 ईयर्स। देखिए, इसको पढ़ के लग रहा है कितना जेन्युइन एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है, तो इसको लोग अप्रिशिएट करेंगे, बट ये एक्चुअल में फेक है, ये ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा गवर्नमेंट ने इस तरीके की मेल्स में वो नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, उन्होंने एक झांसा दिया, आपको एक लालच दे रहे हैं कि कितना अच्छा हो रहा है यार, 40 एज के ऊपर से लोगों को ऐसा कर रहे हैं। आगे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू रिमबर्स टेस्टिंग कॉस्ट इनक्योर्ड। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपका जो भी पैसा है वो आपको रिमबर्स किया जाएगा। अब रिमबर्स कहाँ से करेंगे भैया? रिमबर्स तब करेंगे जब आप अपना बैंक अकाउंट उनके साथ शेयर करेंगे। पता है वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे सर, मैं आपको जो भी आपका खर्चा आया था ना, 2,000, 3,000 या 100, 200 रुपये जितना भी, वो मैं आपको पैसा वापस करूँगा। उसके लिए का आपको अपना अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड और जो भी इनकी डिटेल्स रहेंगी, आपका कुछ तो पर्सनल डेटा वो लेंगे, ठीक है। या वो बोलेंगे कि आपके पास OTP आएगा, आप वो दे दीजिए तो मैं आपके अकाउंट में फलाना अमाउंट ट्रांसफ़र करता हूँ। तो ये आपका पर्सनल डिटेल मांगेंगे। कैसे मांगेंगे? वो उसके लिए वो लिंक देंगे, ठीक है। वो सब मेल में आगे है, देखिए आपको बताता हूँ। उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, अब मेडिकल स्टाफ विल कम टू योर रेजिडेंट टू कलेक्ट सैंपल्स। देखिए, आपको पूरा कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है कि एक व्यक्ति आएगा जो आपका सैंपल लिया जाएगा।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा, ठीक है, बट ये आपको बेवकूफ बनाने का फुल ट्राई मार रहे हैं। अभी आगे देखिए, प्लीज इमीडिएटली रजिस्टर यूजिंग लिंक बिलो फॉर ऑल फ्री COVID-19 टेस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू प्रोवाइड कंप्लीट कॉन्टेक्ट डिटेल विद पैन नंबर। अब देखिए ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से पढ़ता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्लीज इमीडिएटली रजिस्टर यूजिंग लिंक बिलो, प्लीज इमीडिएटली तुरंत करें। फिशिंग मेल्स का बहुत बड़ा रीज़न होता है, जो लोग पकड़ में आ जाते हैं फिशिंग कैंपेन में, कि वो पैनिक करते हैं। इमीडिएटली करो, आधे घंटे में करो, 10 मिनट में करो, 15 मिनट में करो, 2 घंटे में करो। अगर उनको वो पैनिक नहीं करेंगे तो पीपल विल रिलैक्स, वो 10 लोगों से डिस्कस करेंगे, फिर तो शायद वो ना करें। तो वो पैनिक करते हैं फिशिंग मेल्स की, इमीडिएटली करो। तो उसमें देखिए वही लिखा है, प्लीज़ इमीडिएटली रजिस्टर्ड यूजिंग बिलो लिंक। अभी उन्होंने लिंक दिया जो मैं बता रहा था, इस लिंक में वो सारा डिटेल आपसे लेंगे, और वो उन्होंने बताया भी है COVID-19 एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रोवाइड कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आपका पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो ले रहे हैं, मतलब आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं विथ पैन नंबर। अब यार पैन नंबर की क्या ज़रूरत है, ठीक है, ये भी बोलेंगे कुछ लोग, सोचेंगे कि यार ठीक है वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर से शायद वो यूनिकनेस निकालना चाहते हैं। भैया ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद वो लिंक शेयर कर देते हैं और बाद में वो जेनरिक लाइन देखते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट इन कीपिंग इंडियाज फाइट अगेंस्ट COVID-19। और देखिए आगे सिग्नेचर किसका लिखते हैं, थैंक यू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, न्यू दिल्ली 110011। देखिए सिग्नेचर, इस ईमेल का सिग्नेचर भी बहुत जेन्युइन लग रहा है, ये सब फेक है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आप ना पढ़ें। अब आगे देखिए होता क्या, कैसे इन सब चीज़ों से बचते हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपको बता देता हूँ, और ऐसे आपको अगर मिलता है तो क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, सबसे बढ़िया बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि कोई भी ईमेल अगर ऐसी आती है, आप ये मान के चलिए उसमें ज़्यादातर फेक होती है, ठीक है, आपको लालच दिया जा रहा है, आपको इमीडिएटली कोई काम करने के लिए बोला जा रहा है, आपको क्रेडिट अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है, या आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपको पैसा रिमबर्स हो जाएगा जैसे इस मेल में बोला गया, ये सब फेक होता है। इसके अलावा कुछ मैं आपको एक्सटेंशंस बता रहा हूँ, आप कभी भी वो फाइल का एक्सटेंशन अगर रहता है तो आप मत खोलिएगा, ठीक है, मतलब ये वो फाइल्स हैं जो आपने अगर क्लिक किया तो वो ओपन नहीं होंगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, वो कोई ना कोई एजेंट या कोई ना कोई इंस्टेंस आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में वो इंस्टॉल कर देंगी, और वो वहीं पे रहेगा, और वो डेटा आपके लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, आपके मोबाइल से जाता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कौन कौन से एक्सटेंशन है वो देखिए, तो सबसे पहले आपको ब्लॉक करने हैं कुछ अटैचमेंट्स, या वो अटैचमेंट्स आपको ओपन नहीं करने। कौन कौन से, सबसे पहले है EXE, कोई भी अटैचमेंट में अगर EXE आता है मत ओपन करिएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और गेम ख़त्म, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल में कौन सा डेटा किस तरीके से कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। EXE ऐसी बहुत सारी मैं बता रहा हूँ, PIF, TMP, URL, VB, VBE, SCR, REG, CER, PST, CMD, COM, BAT, DLL, DAT, HLP, STA, JS और WSF। अगर ये एक्सटेंशन की कोई भी मेल आती है उसको प्लीज़ ओपन मत करिएगा, वो फिशिंग मेल है, आई एम रिपीटिंग, वो फिशिंग मेल है, वो मत ओपन करिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे एंटी वायरसेस आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जो ब्राउज़र को वॉच करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके की मेल्स आ रही हैं, और वो उसको स्कैन करते हैं सारी ईमेल्स को,
और उन एंटीवायरस को इंस्टॉल तो करना ही है, आप अपडेट भी करते रहिएगा, ठीक है। अपडेट से जो लेटेस्ट सिक्योरिटी के जो एडवाइजरीज आती रहती हैं, ये वो लोग फिक्स करते रहते हैं। तो जैसे ही इस तरह का कुछ मार्केट में आता है, वो फटाक से उसको ब्लॉक करते हैं, तो वो मेल आपके पास ब्लॉक होगी। आपके पास नोटिफिकेशन भी आता है कि ये मेल ब्लॉक करी है, यू वॉन्ट टू अलाउ और वॉट, आपका डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है कोई जेन्युइन मेल भी हो, बट वो आपको ब्लॉक करेगी, वो वेबसाइट को ओपन नहीं करने देगी। ना अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे आपको लगता है कि ये ईमेल सस्पिशियस है, आपको क्या करना है उसके लिए भी देखिए लिखा हुआ एडवाइजरी में। उस एडवाइजरी में लिखा है, एनी अनयूजुअल एक्टिविटी और अटैक शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली एट इंसीडेंट एट सर्ट हाइफन in.org.in। मैं स्पेल आउट भी करता हूँ, INCIDENT@CERT-IN.org.in विद द रिलेवेंट लॉग्स। कुछ अगर आपके पास लॉग है या कुछ ईमेल हेडर है फॉर देयर एनालिसिस पर्पस, ठीक है, उनके एनालिसिस पर्पस के लिए आप ये शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक जानकारी साइबर अटैक्स के बारे में, जो मैंने बताया आपको करीब 6 कंट्रियों पे हो चुका है। आप लोग सेफ रहिए, सिक्योर रहिए और इस तरह के कैंपेन से बचिए। अगले वीडियो में मैं एक नया साइबर सिक्योरिटी का एडवाइजरी लेके आऊँगा, जो आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।